अरे सुनो हाय सर, क्या कर रहे हो? ये आपको सपोज सुन रहे जहेज वगैरह बराबर नहीं मिला और बारात वहाँ रुक गई, आप आगे निकल के आ रहे हैं। अरे उन्होंने बोला सुनिए जी, कैमरा एक्शन। सुनो जी, ओके हाँ मेरे लिए तो नेक्स्ट चाहिए। फिल्म एक तरह से ये कहा जाए तो हर घर की कहानी है और रियल स्टोरी है, जो कहानी हर घर में हो रही है, हर फैमिली में, हर जगह। तो मैं बोलता हूँ, ये क्या बोलते हैं आपको, घरेलू कहानी जो होती है ना, हर घर की कहानी, और इसको एक तरह से आप सच्ची कहानी भी हो सकते हैं जो घरों में होता है, सास के झगड़े, बहू के झगड़े। जब सास बहू बन के आती तो उसका क्या रूप होता है, जब सास बहू सास बन जाती तो उसका क्या रूप होता है, उसी पे कुछ कहने की कोशिश की है जो आजकल के घरेलू माहौल में चल रहा है। आगे थोड़ा ना, यहाँ पर वो प्रमोद जी उनके बीच से निकलेंगे। भाई भाई टेक वन। वो कोई अलग नहीं है, सेम उसी तरह वही कैमरा आता है, वही स्टॉक लगता है, उसी तरह के लोकेशन में हम शूटिंग करते हैं। अलग क्या है, कहानी में एक बात है कि कहानी हमको एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया है, जो कहानी का जो कंसेप्ट है उसमें ज़्यादा, क्योंकि जब तक डिटेल में ना बात की जाए वो समझ में नहीं आती है। लेकिन ये है कि जो कंसेप्ट है वो अच्छा कंसेप्ट है जो हर आदमी की समझ में आएगा और कहानी वाली फिल्म मानी जाएगी। कहानी है इस फिल्म में। मेहंदी फिल्म बहुत दिनों के बाद एक घरेलू कहानी जो आज से 10-15 साल पहले घरेलू फिल्में बना करती थी, ये फिल्म का आधार वो नहीं है लेकिन घरेलू कहानी है। और इस कहानी में सबसे अच्छी बात है कि जो औरतों के प्रति सम्मान है या जो दृष्टि डाली जाती है, समाज जो डालता है, जिस नज़र से वो देखता है, ये मेहंदी उन रीति रिवाजों को लेकर एक फिल्म बन रही है। और सबसे उमदा बात इसमें यह है कि बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है। मेहंदी एक मेहंदी मींस द मेहंदी दैट यू पुट ऑन द हैंड, इट्स दैट ओनली, आई कांट एलैबोरेट। माय कैरेक्टर्स नेम इज पूजा इन द फिल्म and I'm playing this girl who gets married and who dreams about a few things. What are her expectations when she goes to a new house, but how they change. So character of Pooja is that of an homely Indian girl, like any other girl who gets married and dreams of having a beautiful home, having beautiful in-laws, because the entire atmosphere is new out there. She gets accustomed to a new family. So my role in this film is just like any other girl outside, gets married and when that's all it's about. Actually, what can I say, you know, then I have to tell you the entire thing. Well, Mehndi, as this title suggests itself, gives you a feeling of family, you know, shadi, dulhan, you know, it gives you a feeling that way. That's the sort of film that it is. Now, what the story is, it'll be really difficult for me to explain. I don't want to really. If I take up a film, then it means a lot to me, you know. And if there is a certain characterization to the role, that's what gets me, you know, character in the role. You know, he's not just
singing songs or something like that. So that's what I found so interesting, and I'm waiting. I got my fingers crossed and waiting for the release of the film. I hope it means a lot to me. बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और 100% सेटिस्फाइड हैं, इसलिए काम इतने ज़ोरों से चल रहा है. बाकी हिट फ्लॉप ये वो फैसले जो होते हैं या तो ऊपर वाले के हाथ में ऑडियंस के हाथ में. हम सेटिस्फाइड हैं इसलिए इतनी ज़ोरदार प्रोग्रेस चल रही है. अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपको मालूम है किस हिसाब से काम चलता है. मैं भी खुश हूँ, मेरे प्रोड्यूसर भी खुश हैं, और क्या चाहिए, आर्टिस्ट भी खुश हैं.